हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो देखिए, आज का वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, मतलब रेडियो आइसोटॉप्स का एप्लीकेशन। आप समझ गए होंगे कि रेडियो आइसोटॉप्स का यूज हम करते हैं क्या करने में, रेडियो डेटिंग करने में। तो चलिए, अब कुछ रेडियो आइसोटॉप्स हैं, इम्पोर्टेंट कुछ हैं, जिससे हम क्या चीज़ का एज पता कर सकते हैं या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला है कि रेडियो आइसोटॉप्स का कुछ पॉइंट मैं पहले लाया हूँ कि रेडियो आइसोटॉप्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये हमको कैसे इसका एप्लीकेशन है मदद करता है। तो जैसे देखिए, यूज इन द रेडियो आइसोटॉप यूज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसर इन मेडिसिन, मतलब रेडियो आइसोटॉप्स का जो यूज है मेडिसिन्स में है, किस रूप में, तो ट्रेसर के रूप में, ट्रेस करने का, ट्रेसर मतलब ट्रेस। अगर मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अगर कोई चीज़ हमको ट्रेस करना है तो वहाँ भी हम रेडियो आइसोटॉप का हेल्प ले सकते हैं। जैसे ट्रेसर टेक्निक, ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी आर डिटेक्टेड, जैसे ट्रेसर टेक्निक के द्वारा हम क्या मदद कर सकते हैं, ट्यूमर जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अनवांटेड ग्रोथ, और ट्यूमर का मतलब क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल होता है, ट्यूमर्स का मतलब होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल का अगर ह्यूमन बॉडी में पता लगाना या ट्रेस करना है, तो वहाँ पर हम आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप्स का भी पता, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में मतलब यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या पॉइंट है, द लीकेज इन द पाइप प्लांटेड फॉर द फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर और ऑयल्स। जैसे अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाटर के लिए या अंडरग्राउंड ऑयल सप्लाई के लिए जो हम पाइपलाइन बिछाते हैं, उसमें कोई कुछ डिफेक्ट या कोई फॉल्ट आने आ जाने में जो हम उसको अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस लीकेज को पता करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम रेडियो आइसोटॉप्स का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए तीसरा पॉइंट है, द कैंसरियस सेल आर डिस्ट्रॉयड। हम जो है कैंसरियस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रेडियो आइसोटॉप्स के हेल्प से। जैसे देखिए, एक रेडियो आइसोटॉप जैसे कैंसरियस सेल डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है वो कोबाल्ट। आप लोग भी पढ़े होंगे कि कोबाल्ट जो आइसोटॉप है, Co27 एटॉमिक नंबर और 60 एटॉमिक मास, तो कोबाल्ट का यूज किया जाता है कोबाल्ट आइसोटॉप का कैंसरियस सेल डिस्ट्रॉय करने में, यूज इन थेरेपी। और इसका यूज क्या होता है, यूज इन थेरेपी ऑफ कैंसर। कैंसर जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट आइसोटोप का, उसका यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में, और डिस्ट्रॉइंग ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प होता है कोबाल्ट। फिर देखिए रेडियम, रेडियम जो है, रेडियम का भी यूज होता है, यूज फॉर बर्निंग एंड डिस्ट्रॉइंग कैंसरियस सेल। कैंसरियस सेल को जब हम कैंसर यूज यूज फॉर बर्निंग एंड डिस्ट्रॉइंग कैंसरियस सेल, रेडियम जो है, रेडियम का भी है, तो आप यूज कर सकते हैं डिस्ट्रॉय करने में या बर्निंग जलाने में कैंसरियस सेल का। ठीक है, सोडियम, जैसे सोडियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या सोडियम का जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है उसका भी यूज हो सकता है, यूज टू डिटेक्ट एनी रिसिड्यू या अनवांटेड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई भी अनवांट सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी अनवांटेड चीज़ है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में या डिटेक्ट करने में मदद करता है सोडियम का आइसोटॉप। फिर देखिए फॉस्फोरस आइसोटॉप का भी यूज हो सकता है, यूज इन क्यूरिंग, मतलब टूटा हुआ बोन डिजीज में, बोन के डिजीज में यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस आइसोटॉप का। आयोडीन आइसोटॉप का यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट एनी साइड इफेक्ट अपीयर इनसाइड द थायराइड ग्लैंड में। सोडियम आइसोटॉप का तो मैंने बता ही दिया, मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी में। और आयरन आइसोटॉप का यूज करते हैं, डिटेक्ट द लाइक, जैसे आयरन आइसोटॉप का यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं एनेमिया में, ट्यूबरकुलोसिस में, मेल न्यूट्रिएंट डिजीज में, ये सब का पता जो आप आयरन आइसोटॉप से लगा सकते हैं।
यूरेनियम से देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ भी कर देता हूँ, इससे आप पता लगा सकते हैं एस्टिमेट द एज ऑफ द अर्थ, ए मतलब पृथ्वी की कितना आयु है, ये यूरेनियम आइसोटोप से पता लगाया जा सकता है यूरेनियम डेटिंग से। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन, देखिए रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो किसके लिए हेल्पफुल है, और ये जान लेते हैं कि म्यूटेशन अकर इन प्लांट, जो प्लांट में म्यूटेशन अकर होता है या सीड में जो म्यूटेशन अकर होता है वो अकर होता है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्लांट। जो म्यूटेशन प्लांट या सीड में आप देखते हैं वो, इसका मतलब है कि वहाँ पर रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्लांट, ये भी आप पता लगा सकते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन के मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रेडियो, आप रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया, आज लास्ट लेक्चर था एप्लीकेशन, तो आप लोग को समझ में आया होगा।